धमतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मगरलोड थाना करेली बड़ी चौकी और धमतरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों से 6 कारें, 18 मोटरसाइकिलें और 18 मोबाइल और 1.5 लाख से ज्यादा नकदी जब्त की है। जुआ खेलने वाले धमतरी नगरी नयापारा दुर्ग भलाई रायपुर के बताए जा रहे हैं। पठार के जंगल में तंबू लगाकर जुआ खेला जाता था। इसकी सूचना पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहाँ पर टेंट लगाकर खाने पीने की पूरी व्यवस्था बनाकर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। मौके पर से ही उन आरोपियों के साथ में 18 मोटरसाइकिल और 6 कार बरामद किए हैं। पुलिस की रेड की कार्रवाई होने पर कई लोग वहाँ से भागने में सफल भी हुए। कुल 1,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं और इसमें करेली बड़ी क्षेत्र में ही अपराध संगठन। आज हम जानना चाहेंगे कि हमारे बीच में करेली चौकी के प्रभारी ललन साहब मौजूद है, उसे जानेंगे कि क्या कार्रवाई की गई। ललन साहब आप बताएंगे क्या कार्रवाई की गई है करेली चौकी द्वारा। बहुत बड़ी है, 1,85,200 रुपये नकद पकड़ाए हैं, इसमें क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है, क्या कितने लोग पकड़ाए हैं, क्या इसके थोड़ा डिटेल बताइए। चल पठार डी करके गाँव है, वहीं मेन रोड के किनारे 1.5 किलोमीटर में जंगल है। वहाँ पर 22 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा गया है। उनके पास से 1,85,200 रुपये जब्त किया गया है। वहाँ पर मौके पर गाड़ी भी खड़ी थी, उनको मोटरसाइकिल, 18 मोटरसाइकिल और 6 कार जब्त किया गया है। इसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, सकल कुछ बुगाहट है लोगों में, चर्चाएं हैं। ये कहना है किसी भी छोड़ा गया जो उन्होंने है उनको गिरफ्तार किया गया। क्या कार्रवाई किए जा रहा है सर? धारा 13 जो के तहत कार्रवाई की गई है, 159 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अलग की। कैमरा पर्सन रुपेश साहू के साथ संवाददाता टोमल लाल सिन्हा मगरलोड।